हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू सिंगाड़िया। मेरा यूट्यूब चैनल मीनू सिंगाड़िया ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आई हूँ पसंद विहार मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर अंकल जी है, ये इडली सांभर वड़ा है इनके। हम इडली सांभर वड़ा ट्राई करने आए हैं। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मैं खाने की वीडियो से आपको स्टार्ट करूँगी, तो चलते हैं अंकल के इडली सांभर वड़ा खाते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसे है। अंकल से मिलाती हूँ आपको। और अंकल से, अंकल जी क्या नाम है आपका? गुरुमूर्ति। और गुरुमूर्ति के नाम से ही आपका ये चलता है ना साइकिल? अच्छा हाँ, विद्या मोबाइल रेस्टोरेंट से ये चलता है। ये देखिए, ये विद्या मोबाइल। अब मैं स्कैन करती हूँ जब यहाँ पर विद्या मोबाइल रेस्टोरेंट आता है। और अंकल कितने टाइम से आप यहाँ पे? 5 साल हो गए अंकल को। 5 साल से आप? तो ये कौन सी जगह है? वसंत विहार मेट्रो स्टेशन का ये वसंत विहार है। वसंत लॉक। अच्छा, सो लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अंकल ये सांभर दिखाओ। ये देखो सांभर, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। मैंने पहले भी ट्राई करा है, बहुत टेस्टी है। मैंने इससे टेस्टी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। अभी खा के दिखाते हैं आपको कैसा है। अंकल जी हमें अब लगा दो एक प्लेट वड़ा, ठीक है? हाँ, सांभर वड़ा, एक प्लेट सांभर वड़ा टेस्ट कराइए आपका। गाइस देख रहे हो आप, अंकल फुल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, सारे ग्लव्स और पहन के तभी अपना खाने में। ये हमारे तैयार हो रहे हैं सांभर वड़े, ये तोड़ के डाल दिए हैं अंकल ने। पूरा आपको एकदम रेडी करके देंगे, आपको कोई वो ना हो कि भाई तोड़ के तोड़ना है, ये करना है, कुछ नहीं। बाइट लो और खाओ। और ये देखो हाइजीन, ये सैनिटाइज है, अपने आप को सैनिटाइज करो, सब करो फिर खाइए। ये हमारा सांभर, ये देखो ये सब घर से बना के लाते हैं, कुछ यहाँ पर नहीं बनाते, सब घर से रेडी टू ईट आता है। आओ, ये डल गई नारियल की चटनी। और ये डलेगी अब तीखा लाल। देखो गाइस, इतना सुंदर टेम्पटिंग लग रहा है। और ये हो रहे हैं हमारे लिए तैयार। चलो तो गाइस देखो, ये सांभर देखो, कोई सांभर में ये नहीं है कि सब्जी आपको नहीं दिख रही है, सारी सब्जियां दिख रही है। ये बीन्स, कड़ी पत्ता, गाजर और क्या क्या है अंकल इसमें? कद्दू, सीताफल, घिया, ड्रमस्टिक। अच्छा, मैं खा के बताती हूँ अंकल आपको पहले, ठीक है? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। मैंने अंकल का सांभर पहले भी खाया हुआ है, मुझे बहुत टेस्टी लगा है। मैं हर हफ्ते, मीन्स आप समझ लो हफ्ते में एक बार यहाँ पे आके खाने ही लगती हूँ। ये बस शूट करना था इसलिए आज दोबारा आए हम। अभी परसों ही मैंने खाया था, ये शूट करने के लिए मैं आई हूँ। गाइज आप प्लीज़ अंकल के पास आइए और टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी सांभर, बहुत टेस्टी। देखो फ्रेंड, ये अंकल किसी का ऑर्डर पैक कर रहे हैं। ये देखिए सांभर, वाओ, इतना टेम्प्टिंग लग रहा है। अभी हम आपको और भी दिखाते हैं, ये अंकल किसी का ऑर्डर पैक कर रहे हैं। अंकल 5 साल से पहले आप क्या करते थे? क्या चलाते थे? गार्ड की ड्यूटी करते थे। कहाँ पर? इसी एरिया में करता था। अच्छा, इसी एरिया में? इसी एरिया छोड़ के कहीं नहीं जाता। अच्छा, आप मतलब यहीं पे हो, इसी एरिया में हो सर, बचपन से ही इधर हो, क्या बात है। मेरा 11 साल उम्र था, मैं यहाँ पे काम करने का। ये देख लो फ्रेंड्स, 11 साल की उम्र से यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब 5 साल से ये सांभर वड़ा लगा रहे हैं। ये है कोकोनट चटनी, ये बर्फ में है ना, डोलू डाल के रखा हुआ है।
क्योंकि ये जल्दी थोड़ा सा कर जाती है स्मेल, इसलिए ये बर्फ में डाल के रखी हुई है। और ये है लाल चटनी, टमाटर चटनी। ये है टमाटर चटनी, ये इसमें लहसुन लहसुन भी डलता है। हाँ जी, लहसुन प्याज अदरक अदरक थोड़ा बहुत। अच्छा, हल्का सा अदरक डाल के उसका टेस्ट आने के लिए। ओके, मीन्स ये तीखी लाल चटनी है, जिसको तीखा पसंद हो वो इस चटनी ज़्यादा डाल के खाएं। गाइस, हमारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंकल जी के पास आए, खाएं और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वाकई में मैंने वीडियो बना के आपको अच्छा बता करा है कि नहीं, टेस्ट अच्छा है या नहीं। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी आप आइए और खाइए। लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अंकल जी का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अंकल जी बाय।